हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जैनिता क्लासेस में। और दोस्तों, मैं शुभम पांडे और आज आपको हम चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड का PDF लिंक प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको नीट 30 ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कुछ फार्मूले इसमें रिपीट होते हैं, 8-10 फार्मूले के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और यही 8-10 फार्मूले बार बार रिपीट होते हैं, जिन क्वेश्चंस को आप करके बहुत ही आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हो। एवरेज 1 क्वेश्चंस तो हर साल आ ही जाते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर प्लेस्ड इन ए कंटेनर विथ ए पिन होल थ्रू विच बोथ कैन स्केप, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन स्केप इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन टू स्केप। दोस्तों, इक्वल मोल्स हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले लिया है एक कंटेनर में, फिर हमने पिन होल से छेद कर दिया है जहाँ से दोनों गैसेस निकल रही हैं। कहा जा रहा है कि कितना फ्रैक्शन ऑक्सीजन इस्केप करेगा उस टाइम में जिस टाइम में हाइड्रोजन आधा निकल गया है। हाइड्रोजन आधा निकल गया है उस टाइम में हमारा ऑक्सीजन कितना निकलेगा, कितना रेशियो निकलेगा। दोस्तों, अगर हम ये मानते हैं कि हमने एक्स मोल अगर लिया है तो मानते हैं कि हाइड्रोजन 1/2x निकल गया है, हाइड्रोजन हाफ निकल गया है, मतलब 1/2x निकल गया है। और दोस्तों, आपको फार्मूला पता होगा कि रेट आप यहाँ पे निकलने का जो रेट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ मास या डेंसिटी का। मतलब कि अगर हम R1/R2 करते हैं तो अंडर रूट में हमें M2/M1 करना होता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर मास ज़्यादा होगा तो किसी के निकलने का जो रेट होगा वो कम होगा, जो ज़्यादा वजन होगा उसके निकलने का रेट कम होगा, अगर जो हल्का होगा उसका रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो हल्का है। कोई भी गैस अगर हल्की है तो जल्दी से निकलेगी और जो गैस भारी है वो धीरे से निकलेगी। तो मतलब ऑक्सीजन तो कम ही निकला होगा, जितना कि हाइड्रोजन निकला है उतना ऑक्सीजन नहीं निकला होगा। तो फार्मूला होता है कि R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट M2/M1 या अंडर रूट डेंसिटी D2/D1। तो दोस्तों, हमको हाइड्रोजन का पता चल चुका है कि 1/2 है रेट, कितना निकल चुका है रेट 1/2 निकल चुका है, तो O2 का रेट क्या होगा हमें पता करना है। मास अगर हम रखेंगे तो अंडर रूट में 2/32 करेंगे, जब 2/32 करेंगे, जब रेट ऑफ O2/rate of H2 करेंगे तो रेट ऑफ O2 तो हमें नहीं पता है, बट रेट ऑफ H2 हमें पता है कि 1/2 है। उस समय हमारा अंडर रूट में 2/32 आएगा, क्योंकि H2 का जो मास होगा वो 2 ग्राम होगा और ऑक्सीजन का जो मास होगा वो 32 ग्राम होगा। तो जब 2/32 करेंगे तो अंडर रूट में आएगा 1/16, मतलब आएगा 1/4। 1/2 को उस साइड हम ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 1/8 टाइम्स, मतलब रेट ऑफ O2 उस वक्त कितना निकलेगा 1/8। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू बी ओबे द आइडियल गैस लॉ एट, कोई भी गैस हो दोस्तों, वो आइडियल बिहेवियर कब शो करती है, जब हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, आइडियल गैस का डेविएशन, ठीक है, आइडियल गैस से कौन सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा। दोस्तों, आइडियल गैस वो होते हैं जो किसी के साथ अट्रैक्शन नहीं रखते हैं, किसी के साथ उनका फोर्स नहीं होता है, तो ऐसा बिहेवियर वही शो करेगा जो पोलर नहीं होगा। जो पोलर होगा वो तो क्या करेगा, प्लस माइनस चार्ज की वजह से आइडियल गैस से ज़्यादा डेविएशन शो करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो न्यूट्रल होंगे जैसे CH4 है, H2 है, N2 है, ये बिल्कुल आइडियल जैसा बिहेव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन NH3 यहाँ पे क्या होगा, ये पोलर है इसलिए ये आइडियल गैस से ज़्यादा डेविएट करेगा। पोलर मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए वो आइडियल गैस बिहेवियर से ज़्यादा डेविएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ N2 गैस एट 227 डिग्री सेल्सियस एंड 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जहाँ पर R आपको दे रखा है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल,
0.082 लीटर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यहाँ पे प्रेशर है, लीटर वॉल्यूम है, पर केल्विन पर मोल। तो आपसे दोस्तों डेंसिटी पूछा जा रहा है, आप फार्मूला कौन सा लगाओगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक, पीवी इक्वल टू एनआरटी आप लगाओगे। तो एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो वहाँ से हम पीवी, वी को हम इस तरफ लेके आएंगे जब, तो हमें वो डेंसिटी मिल जाएगा, जो फार्मूला मिलेगा प्रेशर इक्वल टू डीआरटी बाई कैपिटल एम, कैपिटल एम हमारा है मोलर मास, तो इसलिए हमें फार्मूला मिल जाएगा डेंसिटी इक्वल टू पीएम अपान आरटी। पुट कर देंगे, पी प्रेशर यहाँ पे 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे क्या होगा 28 होगा क्योंकि नाइट्रोजन है, और आर दे रखा है 0.082 और टेम्परेचर 500 केल्विन कहेंगे, 500 केल्विन इसलिए क्योंकि जो भी हम टेम्परेचर रखेंगे वो डिग्री सेल्सियस में नहीं केल्विन में रखा जाता है, एसआई यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है और यहाँ पर हम एसआई यूनिट ही रखते हैं। तो जो हमें आंसर आएगा वो हम देख लेंगे। फिर एक क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे 50 ml ऑफ इच गैस ए एंड ऑफ गैस बी टेक्स 150 एंड 200 सेकेंड रिस्पेक्टिवली फॉर इफ्यूजिंग थ्रू अ पिन होल अंडर सिमिलर कंडीशन, इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी इज 36 द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए विल बी। दोस्तों आपसे यहाँ पर फिर से रेट ऑफ डिफ्यूजन ही पूछा जा रहा है कि कौन कितना जल्दी डिफ्यूज होगा। 50 ml दोनों के हैं, गैस ए भी है और गैस बी भी है। अब यहाँ पर है कि 150 एंड 200 सेकेंड दोनों को लग रहा है, ए को 150 सेकेंड लग रहा है और बी को 200 सेकेंड लग रहा है इफ्यूज करने के लिए, मतलब कि बाहर निकलने के लिए एक होल से। अगर मॉलिक्यूलर मास बी का दे रखा है 36 तो मॉलिक्यूलर मास हमें ए का पता करना होगा। अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो कहेंगे R1 अपान R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 बाई D1 या अंडर रूट M2 बाई M1 कहेंगे। दोस्तों रेट मतलब होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ पर यूनिट टाइम में। तो वहाँ से हमें ये मिलेगा कि TB बाई T1 मतलब टाइम, TB बाई T1 ठीक है, T2 बाई T1 अगर हम करेंगे तो अंडर रूट हमें M2 बाई M1 करना पड़ेगा। तो T2 बाई T1 इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1 करेंगे, मतलब कि जो ज़्यादा मास जिसका होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा और जिनका मास कम होगा वो कम टाइम लेगा डिफ्यूज होने में। तो हम पुट करेंगे, अंडर रूट है स्क्वायर ले लेंगे और हमें जो वैल्यू आएगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे बड़े ही आसानी से। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं रेट आप डिफ्यूजन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से। अ सर्टेन गैस टेक्स 3 times एज लॉन्ग एज टू इफ्यूज, ये भी क्वेश्चंस उसी पर है, रेट पर ही है। तो आप फार्मूला याद कर लो, आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर लोगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कह रहा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। तो अ सर्टेन गैस टेक्स 3 times एज लॉन्ग टू इफ्यूज आउट एज हीलियम, हीलियम गैस को जितना डिफ्यूज करने में टाइम लग रहा है उसका 3 गुना ज़्यादा समय लग रहा है, तो हमें मॉलिक्यूलर मास बताना होगा। और अंडर रूट से यहाँ पे वेरिएशन चेंज होता है, तो अंडर रूट में ओपी है 3 times, तो अंडर रूट अगर हम ओपन करेंगे तो 3 times वो क्या हो जाएगा 9 times हो जाएगा, और हीलियम का जो मास होता है वो 4 होता है, तो उसका कितना होगा 36 होगा। बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। हमें फिर से वही लगाना होगा क्या, R1 by R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 by M1। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ए रियल गैस वांडरवाल्स इक्वेशन इज रिटन एज P+AN² upon V² and V minus NB = nRT, वेर ए एंड बी आर वांडरवाल्स कॉन्स्टेंट, टू सेट्स ऑफ गैसेस आर, दो सेट गैसेस की दे रखी हैं, एक है O2 CO2 H2 एंड HE और दूसरा है CH4 O2 एंड H2। द गैसेस गिवन इन सेट 1 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी एंड गैसेस गिवन इन सेट 2 इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए आर अरेंज्ड बिलो, करेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। दोस्तों अगर हम बी की बात करें तो बी डिपेंड करता है साइज पर, क्या साइज पर, तो जो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसका उतना बड़ा साइज होगा। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पे क्या है, हीलियम फिर H2 फिर CO2 फिर O2, गलत लिखा हुआ है।
ऑप्शन बी की बात करें O2 नहीं, फिर HE, फिर H2, फिर CO2 गलत लिखा है। ऑप्शन सी की बात करें H2 सबसे छोटा, उसके बाद हीलियम उससे बड़ी साइज, फिर O2 की साइज एंड देन CO2 की। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अगर ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ऑप्शन डी भी गलत लिखा हुआ है, अगर ऑप्शन सी सही है तो उसका नेक्स्ट ऑप्शन भी सही ही होगा कि CH4 में ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ए होता है अट्रैक्टिंग फोर्स, सो ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर O2 की होगी, फिर H2 की होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन NCERT से है, बिल्कुल ग्राफ में दे भी रखा है कि CH4 का अट्रैक्टिंग फोर्स ज़्यादा हो तो उसके बाद O2 देन H2। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू मोनोएटॉमिक गैसेस। इक्वल वॉल्यूम हमने ले रखा है दो मोनोएटॉमिक गैसेस का। मोनोएटॉमिक मतलब कि एक ही एटम है उसमें, मतलब एक नोबल गैस, मोनोएटॉमिक गैसेस। ए एंड बी एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मिक्स्ड। अगर इक्वल वॉल्यूम है दो मोनोएटॉमिक गैसेस का ए और बी, और उनको सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम मिक्स करते हैं, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है, CP/CV ऑफ द मिक्सचर विल बी। दोस्तों CP क्या होता है मोनोएटॉमिक का, 5/2R। CV क्या होता है, 3/2R। अगर हम इनका रेशियो लेंगे तो 5/3 आएगा, मतलब 1.67 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर इज डबल्ड। दोस्तों अगर एवरेज वेलोसिटी का आपको फार्मूला पता होगा, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है √8RT/πm। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को दुगुना करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी भी √ बढ़ेगा। और √ मतलब होता है, उसकी अगर वैल्यू बात करें तो होता है 1.414, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें, टू गैसेस ए एंड बी हैविंग सेम वॉल्यूम डिफ्यूजेस थ्रू अ पोरस पार्टीशन इन 20 एंड 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इज 49 U, देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी विल बी। दोस्तों डायरेक्ट आपको पता ही है कि अंडर रूट से दोनों का वेरिएशन होता है, तो एक में 20 सेकेंड लग रहा है, एक में 10 सेकेंड लग रहा है, मतलब कि दुगुना का अंतर है, तो इनके मास में अंतर 4 गुना का होगा। तो अगर ए का 49 है तो उसका 4 होगा, मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि T2/T1 करोगे आप, ए के लिए कितना लग रहा है 20 सेकेंड लग रहा है, बी के लिए 10 सेकेंड लग रहा है, तो T2/T1 तो √M2/M1, वहाँ से हमें मास मिल जाएगा बी 12.25। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, अ गैसियस मिक्सचर वाज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इक्वल मोल ऑफ CO एंड N2 इफ टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर वाज फाउंड 1 atmosphere, द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन द मिक्सचर इज। दोस्तों हमने इक्वल मोल ले रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड का और N2 का, और जो टोटल प्रेशर है वो 1 atmospheric प्रेशर है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों का प्रेशर मिला के 1 atmospheric प्रेशर है। अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, इक्वल मोल्स है तो इनका मोल फ्रैक्शन 1/2 होगा, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा भी 0.5 atmospheric प्रेशर होगा और नाइट्रोजन के द्वारा भी 0.5 atmospheric प्रेशर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो अ बबल्स ऑफ एयर इज अंडर वाटर एट टेम्परेचर 25°C एंड द प्रेशर 1.5 bar। इफ द बबल्स राइजेस टू द सरफेस वेयर द टेम्परेचर इज 25°C एंड द प्रेशर इज 1 bar, व्हाट विल बी हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ द बबल्स। दोस्तों हमको पता ही है PV=nRT। हम क्या करेंगे, दो कंडीशन है, एक बार प्रेशर कुछ है तो उसका प्रेशर कुछ है, टेम्परेचर कुछ है, तो वहाँ पर हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे n को कांस्टेंट रख के। उसी तरह से दूसरी बार प्रेशर कुछ है, टेम्परेचर कुछ है, प्रेशर 1 bar हो रहा है, टेम्परेचर 25°C हो रहा है, फिर से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, हमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एयर बबल है जो कि पानी के अंदर था, जहाँ पर टेम्परेचर 15°C है, ठीक है, और वहाँ पर प्रेशर 1.5 bar है, तो उस समय हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जब वो 25°C है और 1 bar है, तो वहाँ से हमें कंडीशंस मिल जाएंगी। कंडीशंस हमें क्या मिलेंगे, V=PV=nRT, तो V=T/P, V=T/P
पी से हमें रेशियो मिल जाएगा, मतलब हम कहेंगे वी वन इक्वल टू टी वन बाई पी वन और वी टू इक्वल टू टी टू बाई पी टू। मेरा क्वेश्चन नंबर 13 जहाँ पे है कि द प्रेशर एग्जर्टेड बाई 6 ग्राम ऑफ मीथेन गैस इन ए 0.03 meter cube वेसल एट 129 degree Celsius, एटॉमिक मास कार्बन का दे रखा है, हाइड्रोजन का दे रखा है और आर की वैल्यू दे रखी है कि होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो आपको प्रेशर एग्जर्टेड आपसे पूछ रहा है, आप पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाइए, ठीक है। वॉल्यूम आपको दे रखा है 0.03 meter cube, तो इसको आप लीटर में बदल लीजिए 1000 से मल्टीप्लाई करके और बड़ी ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि n वेट दे रखा है तो आप nRT लगा सकते हो, nRT यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स वेट अपान मॉलिकुलर वेट लगा सकते हो और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे बार बार पूछे गए हैं, पी वी इक्वल टू nRT पर है, रेट पर है और एवरेज वेलोसिटी पर है, काइनेटिक एनर्जी पे है। और काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला आप जानते होंगे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 3/2 RT, और अगर एक मॉलिक्यूल के लिए है तो 3/2 KT, जहाँ पे K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर होने वाला है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। और यहाँ तो ये तो ईजी है कि एनर्जी एब्जॉर्ब बाई ईच मॉलिक्यूल, अगर A2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, सबस्टेंस का, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है 4.4 × 10⁻¹⁹ जूल। उसका बॉन्ड एनर्जी है, मतलब कि बॉन्ड को तोड़ने का जो पर मॉलिक्यूल्स एनर्जी है वो है 4 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक है। मतलब कि इतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो बॉन्ड तो टूट ही जाएगा क्योंकि 4.4 × 10⁻¹⁹ जूल एब्जॉर्ब कर रहा है। साथ में कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के तौर पे बचेगी, तो हमें काइनेटिक एनर्जी बताना है पर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर एटम में बताना है। तो एक मॉलिक्यूल्स 4.4 × 10⁻¹⁹ जूल एब्जॉर्ब कर रहा है, 4 × 10⁻¹⁹ जूल तो बॉन्ड तोड़ने में खर्च हो जा रहा है, तो बचा कितना, 0.4 × 10⁻¹⁹ जूल, मतलब पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो 4 × 10⁻¹⁹ जूल एनर्जी बच रहा है एक मॉलिक्यूल के बीच में। अगर पर एटम की बात करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, A2 है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो करेक्ट आंसर होगा 2 × 10⁻¹⁹ जूल। तो बड़े ही आसान क्वेश्चंस हैं जो कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग से कर पाएंगे, अगर आप अपने पेशेंस को नहीं खोते हैं, धैर्य को रखे रहते हैं, तो बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, लगभग 1.5-2 घंटे में आप पूरे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे नीट 30 ईयर के, और आपको एक कॉन्फिडेंस मिल पाएगा और ये अंदाज़ा लग पाएगा कि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, और आप बहुत कम टाइम में अच्छा स्कोर भी कर सकते हो और बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो, अपने फेसबुक पर शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।